हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर सृष्टि के रचयिता, संरक्षक और संहारक हैं। इन त्रिदेवों के आपसी तालमेल से ही सृष्टि पूर्ण रूप से परिचालित होती है। इससे भगवान हमें ये भी संदेश देते हैं कि हमको सृष्टि में किस तरह से रहना है, एक दूसरे के मान सम्मान, भावनाओं और कार्यों को एक समान दृष्टि से देखना है। हमें बिना किसी भेदभाव, भाईचारे और प्रेम के साथ रहना है। ओडिशा का एक ऐसा शहर जो प्राचीनता और आधुनिकता को अपने गोद में लपेटे हुए है, जिसे बोध कहा जाता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ शैव, वैष्णव और शक्त तीनों समुदाय के भक्त रहते हैं। बोध की भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो एक तरफ विशालकाय महानदी तो दूसरी तरफ फुलवाणी वन क्षेत्र जो बोध शहर को दोनों ओर से संरक्षण प्रदान करते हैं। आधुनिक काल में महानदी यातायात और व्यवसायी के मार्ग का और फुलवाणी वन क्षेत्र प्रकृति और बंजारों का जीवित स्रोत हुआ करता था और इसी कारण से बोध को एक अलग पहचान मिला। बोध शहर ना ही भौगोलिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ओडिशा का महत्वपूर्ण शहर है। उत्खनन दर्शाते हैं कि बोध की जड़ें बहुत ही पुरातन काल के हैं। यही नहीं, बोध शहर जाना जाता है कई पुरातन काल के मंदिरों को, जो कि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अधीनस्थ है। तो आज चलते हैं उन्हीं मंदिरों में से कुछ मंदिरों की इतिहास और रहस्य को जानने के लिए। ओडिशा के पूर्वी तट पे महानदी के किनारे बोध शहर स्थित है, जो कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 200 किलोमीटर और मां समलेश्वरी का शहर संबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। बोध के पौराणिक मंदिरों की बात करें तो चलिए शुरुआत करते हैं बोध के सबसे अनोखी और सुंदर मंदिर से, जिसे चारिशंभु का मंदिर या द ट्विन टेम्पल या जुड़वा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चारिशंभु का यह मंदिर 14 शताब्दी में राजा गंधमर्दन और उनके पत्नी के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि बोध शहर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गंधहार्डी गांव में स्थित है। राजा एक विष्णु भक्त थे और रानी शिवा की। कहा जाता है राजा के बहुत कोशिशों के बाद कोई संतान ना होने के कारण वे और उनके पत्नी ने शिवजी और विष्णु की आराधना लंबे समय तक की, जिससे उनको एक संतान बेटे के रूप में प्राप्ति हुई। इस अवसर पे दोनों ने प्रतिज्ञा ली कि जिस जगह पे उन्होंने आराधना की थी वहां शिवजी और विष्णु के मंदिर स्थापित करेंगे। इस मंदिर को ट्विन या जुड़वा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रूप, शक्ति, उपस्थिति, सामग्री में पूरी तरह से समांतर हैं। अलग है तो विष्णु जी के मंदिर के चोटी पे सुदर्शन चक्र और शिव जी के मंदिर पे शिवलिंग। विष्णु जी के मंदिर में नीलमाधव वास करते हैं। जो सुदर्शन चक्र है वो हूबहू पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। शिवजी के मंदिर में वास करते हैं सोमनाथ, जुगेश्वर, सिद्धेश्वर और कपिलेश्वर। दोनों मंदिर के बाहरी भाग यानी कि शरीर बलुआ पत्थर या रेड स्टोन से बनाया गया है, जबकि दोनों मंदिर के चोटी या ऊपरी भाग क्लोराइड पत्थर से बनाया गया है। चारिशंभु के इस मंदिर को देखने के लिए कई भक्त हर साल आते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और शिवजी और विष्णु जी के आशीर्वाद लेके जाते हैं। चारिशंभु के मंदिर के दर्शन के बाद हमने अपना रास्ता बोध के मध्यम इलाके के प्रसिद्ध मंदिर रामेश्वर एवं रामनाथ के मंदिर की ओर मोड़ दिया।
मान्यता है कि रामेश्वर मंदिर भी लगभग 8वीं शताब्दी की पौराणिक मंदिर है, जिसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभाले रखा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सितारों के आकार में पश्चिमी सोमनाथ, भुवनेश्वर, स्वप्नेश्वर, कपिलेश्वर और धबलेश्वर, जो कि शिवजी के कई रूप हैं, यहाँ वास करते हैं। रामनाथ का यह मंदिर मध्यकालीन ओडिशा के वास्तुकला मंदिरों में से एक है। यहाँ सारे शिवजी के मंदिर इस तरह से बनाए गए हैं, तारों की आकार के लगते हैं अगर इन्हें ऊपर से देखा जाए तो। रामेश्वर का ये मंदिर 8-9 शताब्दी में बौद्ध के राजा भंजदेव द्वारा बनाया गया था। साल भर हजारों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं इसके बनावटी सुंदरता को देखने के लिए। तो ये था एक छोटा सा सफर बौद्ध शहर और उसकी अनोखी मंदिरों का एक छोटा सा झलक। शायद ही ऐसे सुंदर मंदिरें होंगी पूरे भारत में जिसका आनंद इतनी आसानी से लिया जा सकता है बौद्ध में। मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।